माँ माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ माँ मुझे सब दिख रहा है। पहचाना आपने इन्हें, ये हैं चाइल्ड एक्टर मिकी, जिन्होंने फिल्म क्रिश में निभाया है छोटे ऋतिक का किरदार। इसके अलावा वो नजर आ चुके हैं फिल्म कोई मिल गया में, जहां वो बने थे यंग रोहित मेहरा यानी कि बचपन के ऋतिक। इसके अलावा वो नजर आ चुके हैं फिल्म इश्क विश्क में बतौर चाइल्ड एक्टर। लेकिन इसके बाद मिकी धामीजानी ने लिया फिल्मों से ब्रेक और अब वो बन गए हैं डॉक्टर मिकी और वो है आई स्पेशलिस्ट। क्यों चौंक गए ना आप भाई? आज हम करेंगे डॉक्टर मिकी संग डे आउट, जानेंगे उनका दिनचर्या, कैसा है उनका रूटीन, करेंगे उनके घर की सैर, देखेंगे उनका क्लिनिक और जानेंगे डॉक्टर मिकी के बारे में कई सारी बातें। तो चलिए सीधा चलते हैं उनके घर पर करने ये खास मुलाकात। सास बहू बेटिया के आज खास मेहमान है डॉक्टर मिकी और आज वैसे हमारा कोई मिल गया मोमेंट ही हो गया है, क्योंकि आपको देखकर आपको याद आ गया होगा कि हम किसके साथ है। हेलो, क्रिश कहे, रोहित कहे, क्या कहे, मतलब ऐसे तो डॉक्टर मिकी से ही हम बात करते हैं। अभी और भी जानेंगे और आज पूरा दिन हम आपके साथ रहने वाले हैं कि क्या क्या करते हैं डॉक्टर मिकी। तो वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो है मतलब लोगों को थोड़ा सा आप खुद भी याद दिला दे, जरा एक कुछ डायलॉग हो जाए उस अंदाज में। आजकल जो डायलॉग है, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ मुझे सब दिख रहा है, इज द डायलॉग, बिकॉज मैं चश्मे निकालता हूँ। सो दैट इज द डायलॉग आई थिंक आई वुड लाइक टू से, बट यस, प्लेजर बीइंग हियर। तो देखते हैं जब मतलब वो जो साल का सफर था और अब जो है मिकी बड़े हो गए हैं और डॉक्टर हो गए हैं, तो ये जो जर्नी रही है काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, और कैसी रही है ओवरऑल, अपनी इस जर्नी को क्या नाम देंगे? काफ़ी लंबी, काफ़ी स्ट्रेसफुल, बट काफ़ी डिलाइटफुल ऑल्सो, बिकॉज इट ब्रिंग्स इन समथिंग विच इज़ अमेजिंग। लाइक आई गेट टू डू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी यूनिक। आई गेट टू ट्रीट पीपल्स आईज एंड गिव देम लाइक द विजन एंड मेक देम सी ग्लास फ्री, सो इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। ये जो डायलॉग था वो एकदम रिलेट नहीं कर गया चश्मे उतारते हुए? और एग्जैक्टली स्टोरी हर इज कि मुझे खुद काफ़ी मोटे चश्मे थे, लाइक 8 के आसपास मेरा पावर था, एंड ऑल थ्रू आउट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरी मॉम हमेशा स्ट्रेस में होती थी, बिकॉज दैट टाइम गूगल वगैरह इतना नहीं था, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमेशा उनको था कि चश्मे क्यों है, मेरे बेटे का नंबर बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज़ द टाइम आई बिकेम अ डॉक्टर। एंड व्हेन आई स्टडी डीपली आई फिगर्ड कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चश्मा होना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक यू नो इट्स लाइक ग्रोइंग ऑफ द आई बॉल, आपका आई बॉल का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, दैट्स वाई यू हैव चश्मा। एंड देन आई गॉट अ लेसिक डन एंड राइट नाउ आई एम ग्लास फ्री, सो ये मेरा काइंड ऑफ एम्पावरमेंट करने का विजन हो गया लाइफ के अंदर, कि जो इंसान चश्मे निकालना चाहता है, भले वो यंग हो जिनको लेसिक कराना हो, भले वो थोड़े ओल्डर भी हो, सपोज 50+ जिनको कैटरैक्स वगैरह भी है, उसके थ्रू भी हम सबका चश्मा निकाल सकते हैं, भले वो दूर का हो पास का हो, सो दैट इज़ बिकम माई थिंग। सो इसलिए दैट डायलॉग, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सब दिख रहा है, मुझे एक्चुअली सब दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है आपने लेसिक किया। तो चलिए आप थोड़ा आपका घर घूमते हैं, जरा हमें घर घुमाइए और फिर प्लीज डू कम। तो चलिए सबसे पहले करते हैं डॉक्टर मिकी के खूबसूरत आशियाने की सैर। भाई जैसे कि डॉक्टर साहब हैं मिकी, ऐसे में उन्हें बुक्स का बेहद शौक है और अपना बुक्स कलेक्शन दिखा रहे हैं डॉक्टर मिकी। क्विकली आपको दिखाते हैं हमारा घर, दिस इज माय कजिन्स एंड माय सिस्टर, माय फैमिली, फैमिली पिक्चर, कम इन, आई विल टेक यू इनसाइड। स्टार्ट ऑफ बाय सीइंग माय बुक कलेक्शन, ये शायद 50% से भी कम है, दिस इज ऑल दैट आई हैव हैड टू रीड एंड स्टडी एंड पुट इन माई हेड। तो ये जो सेक्शन है मेरा, इसमें जो सारी किताबें हैं, ये सारी मेरी फर्स्ट ईयर MBBS ऑनवर्ड्स अप टू मास्टर्स की है, और ये एक पार्ट है, एक पार्ट बेड के अंदर है, बिकॉज स्टोरेज इज एन इशू इन बॉम्बे, तो काफ़ी सारा कुछ अंदर है। आई शो यू सम मोर बुक्स, तो ये सारी बुक्स जब पढ़ाई का टाइम था, दैट इज द पॉइंट, देयर आर सम अदर बुक्स आल्सो व्हिच आई डू रीड इन माय फ्री टाइम, आई विल शो यू देम, कम।
सो ये मेरा एंटरटेनमेंट रूम है जो आपको इतनी सारी मोटी मोटी किताबें दिखाई थी, अभी थोड़ी रिलैक्सेशन वाली किताब है. सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस दिस सेक्शन. जैसे कि ये वाला सेक्शन है, ये सारी बिजनेस एंड मनी एंड फाइनेंसिस की किताबें हैं विच आई रीड माई फ्री टाइम. दिस इज़ अबाउट द माइंड, हाउ टू थिंक लाइक अ मॉन्क एंड मेडिटेशन एंड पीस एंड ऑल दोज थिंग्स. सो दिस इज़ दैट सेक्शन. सो लाइक दिस इज दिस बुक कॉल्ड by Jay Shetty, How to Think Like a Monk. काफ़ी amazing read है. I think everybody should read this. It teaches you a lot about life, कैसे अपने दिमाग को handle करना है, कैसे challenges को face करना है. It helps you grow. So this is for personal growth, if I may put it. This is that section. Then this little section here is about, again, business. This is a fantastic read. इस बुक का नाम है 0 to 1. इट्स ऑल अबाउट स्टार्टअप्स एंड कंपनीज एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ फेसबुक के बारे में, हाउ दिस पर्सन हैड इन्वेस्टेड एंड एवरीथिंग. दैट इज वन सेक्शन. दिस इज अबाउट हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स, हाउ टू हैव डिसिप्लिन एंड हाउ टू अगेन पर्सनल ग्रोथ एंड इंटरेस्टिंग रीच. सो ये सारी रियलिटी बेस्ड वाली बुक्स हो गई. एंड इकिगाई, दिस इज इस जापानीज कॉन्सेप्ट विच इज बेसिकली अबाउट यू नो वॉट यू लव. यू कैन हैव अ लुक एट दिस. दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गिवन हियर. क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप चीज़ पे गुड है, व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. जब इन सब चीज़ों का मिलन होता है, सो ये जापानीज कल्चर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच गिव्स यू द अल्टीमेट पीस एंड दैट इज़ कॉल्ड इकिगाई. सो दिस इज़ द गोल आई थिंक एवरीबडी शुड हैव इन लाइफ एंड द वंस हू गेट इट इज़ कॉल्ड इकिगाई इन जापानीज. और मैं मार्वल यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ. सो दिस इज़ द मार्वल इंसाइक्लोपीडिया. ये एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. एंड इज यू सी दिस थॉर, ये देखिए. So this is the Marvel Encyclopedia, with an introduction by Stan Lee himself. So I'll just show it to you. This is a very interesting book. So there are so many characters in the Marvel Universe. So सबके बारे में details, origin story, occupation क्या है. So it's very interesting. Like you can see Angel, Black Panther के बारे में, कौन से kingdom का बात है, rebellion, his enemies, his profiling. Just a fun read. Like it's got so much details into it. This is the fictional part जो मैं to be honest कभी कभी पढ़ता हूँ. But yes, this is a lovely book called The 40 Rules of Love. It's about love, romance and emotions around that. This book is called The Alchemist. Again, a very interesting fictional read. I think Julia Roberts also has given a testimony पीछे, right? ये बुक है जो मैंने लिखी है बिकॉज हमें थीसिस करनी होती है एज अ डॉक्टर. एंड दिस बुक इज टाइटल स्टडी ऑफ ड्राई आईज इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़ एंड एसोसिएशन विद डायबिटिक रेटिनोपैथी. मतलब ड्राई आईज़ का और डायबिटीज़ का आंखों से जो कनेक्शन है उसके बारे में मैंने ये बुक लिखी है. आई कैन शो यू अ ग्लिम्स अबाउट इट. सो इट्स गॉट फोटोज, इट्स गॉट इमेजेस, इट्स गॉट कॉन्टेंट, इट्स गॉट ग्राफ्स, डेटा, लेजर्स. इतने सारे पेशेंट्स को देख के हमने ये बुक लिखी थी. इस डेटा के बेसिस पे वी I've kind of written the book, so this is that. वैसे डॉक्टर मिक्यू को बाइट्स का भी काफी शौक है. आइए देखते हैं उनके कपड़ों का कलेक्शन. फिलहाल मैं घर पे अकेला हूँ, बट आई कैन शो यू दिस इमेज. दिस इज माई लवली फैमिली, ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस. माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई ब्रदर इन लॉ आर ऑल इन दिस पिक्चर. ओके, सो एक सेक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे शर्ट्स का सेक्शन जो है. आई ऑलवेज वेयर वाइट. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बट आई शो यू कि वो एक वाइट शर्ट नहीं है, वो काफ़ी सारी वाइट शर्ट्स है. आई लव द कलर वाइट. आई एम ऑल्सो वेयरिंग वाइट जस्ट नाउ. सो दीज आर द मल्टीपल वाइट शर्ट्स दैट आई हैव. आई लव देम. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इट इज़ अ वेरी माई वॉर्डर ऑल्सो इज़ वाइट. इट्स अ वेरी काम एंड इट्स अ वेरी न्यूट्रल कलर. It's a color of peace. So many factors together. I believe ki when I'm talking to a patient, it has to be very professional. So I figured ki white is the color which gives that neutrality and is a very calm color. You know, when I mean the profession I come from, वहाँ से काफ़ी flamboyant कपड़े पहनने होते थे and पहन सकता हूँ, but अभी right now I am at all whites. So this is my wardrobe. So I'll show you one of the shirts. ये मेरी lucky वाली white shirt है. It's made of a fabric which does not require too much of ironing. So it's a very work oriented shirt. It's very flexible. And yes, मैं आपको ये पहन के दिखाता हूँ. Like I love the fit as well. वैसे आज तो डॉक्टर मिकी ने रिलीव कर लिया अपना कोई मिल गया वाला मोमेंट. तभी तो देखिए कैसे वो फिल्म का फेमस डायलॉग बोल रहे हैं.
फिल्म देख रहे हैं और उसी गाने पर कर रहे हैं डांस। तो आज सास बहू और बेटियों के साथ रीलिविंग द मोमेंट क्रिश मूवी का जो है सो ये सीन चालू किया है, सो लेट्स सी। माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ मुझे सब दिख रहा है। आपको मिल चुकी है मेरे घर की एक झलक, अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरा टेरेस जहाँ मैं करता हूँ मेडिटेशन, बट मैं आऊंगा चेंज करके। सी यू। सो आई एम रेडी, लेट्स गो टू द टेरेस फॉर मेडिटेशन। तो भाई मिकी एक डॉक्टर है और अपनी सेहत का खासा ध्यान रखते हैं। टेरेस पर जाकर करते हैं मेडिटेशन, स्विमिंग करते हैं और हर वो मुमकिन चीज जिससे वो रहे फिट। ये हमारा टेरेस है, यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल चीज मैं आपको दिखाऊंगा जो है व्यू। कम विद मी, यहाँ से आपको दिखेगा मुंबई सिटी का एयरपोर्ट रनवे। कम, इट्स ऑल ग्रीन हियर। You see that plane taking off? Yes. Very soon you will see the runway. आ जाइए। वो देखिए, that is zoom 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 zoom. That is the runway. Come, let's get to meditation. सो डन विद मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बेनिफिट्स अगर आप ऑनलाइन रिसर्च करो या देखो आर सो मैनी दैट मैं आपको क्या बताऊँ। जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट, गौतम बुद्धा से लेके सो मैनी पीपल हैव यू नो वाउच फॉर इस एंड इट्स समथिंग आई थिंक सबको करना चाहिए। इवन इफ इट्स फॉर 5 मिनट्स अ डे, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग। द बेनिफिट्स आर जस्ट अनरियल। चलिए अब चलते हैं हम करने के लिए थोड़ी सी स्विमिंग। कम सो स्विमिंग इज़ माई फेवरेट फॉर्म ऑफ कार्डियो। मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन स्विमिंग करता हूँ फॉर माई कार्डियो। एंड एक इंपॉर्टेंट टिप स्विमिंग करते वक्त, प्लीज़ 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 वेयर ग्लासेस बिफोर गोइंग इन द कॉमन पूल। लेट्स गेट टू वर्क, क्विकली घर चलते हैं, तैयार होते हैं और चलते हैं काम पे। कम ऑन। अब बारी है उनके क्लिनिक में जाने की जहाँ वो बतौर डॉक्टर आई चेकअप्स करते हैं क्योंकि वो है आई स्पेशलिस्ट। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिरकार डॉक्टर के बैग में क्या कुछ है खास। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आई एम रेडी फॉर द क्लिनिक एंड आई विल शो यू नाउ व्हाट्स देयर इन दिस बैग। ये है मेरी बैग फुल ऑफ स्टफ, माय लैपटॉप वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, पेशेंट की कुछ रिपोर्ट्स जब टाइम मिले कार में या कभी टाइम मिले इसको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए रिपोर्ट्स। दिस इज माई डायरी, आई एम थोड़ा ओल्ड स्कूल, आई लाइक टू राइट, दिस इज माई डायरी। देन सम डॉक्टर स्टफ, some lenses which are important to check your retinas, some instruments, sunglasses very important, aur ye meri mom ka banaya hua hai, this is the emergency thing in which I have
माई सैनिटाइजर, सम इलेक्ट्रॉल्स, ORS, दवाइयाँ, बैकअप दवाइयाँ, टिश्यू पेपर, हेडफोन्स, विजिटिंग कार्ड्स, आई ड्रॉप्स ऑफ कोर्स. दिस इज अनदर बैग विच आई कैरी विच आई विल शो यू क्लिनिक में कि इसके अंदर क्या है. लेट्स गो. सो चलिए लेट्स गो टू माई क्लिनिक. एंड आई लाइक टू ड्राइव इन क्लिनिक, ज़्यादा दूर भी नहीं है, अराउंड 10-15 मिनट्स. कम अभी तो मतलब मेरे फोन बुक में आप देखोगे तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से लेके डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी हो सारे मेरे दोस्त हैं. सो ओवर द स्पैन ऑफ सो मेनी ईयर्स अभी जो ज़्यादा जिससे मिलना होता है या फ्रीक्वेंट टच जिसके साथ होता है वो मोरलेस सारे डॉक्टर्स ही है. बचपन में तो ऐसे वो थोड़ा फिलोसफिकल हो जाऊंगा बट ऐसा होता है राइट कि जब आप ग्रो अप होते हो तो वो दिल से कनेक्शन रहता है बट यू नो द पर्सन बट बिकॉज यू टेक डिफरेंट पाथ्स वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट थोड़ा स्लो और लेट हो जाता है. बट आई थिंक व्हेन द टाइम कम्स इन जब जिनसे मिलना होगा तब वो दोस्ती वहाँ से रिज्यूम होगी. फाइनली बातें करते करते और ये सफर तय करके हम पहुंच गए हैं डॉक्टर मिकी के क्लिनिक में जहां वो कर रहे हैं सास बहू और बेटिया के रिपोर्टर की आई चेकअप और बता रहे हैं कुछ खास बातें भी. अब हम आ गए हैं मेरे क्लिनिक पे. एक्चुअली मेरा नहीं मेरे ग्रैंडफादर का क्लिनिक है जो 1964 में उन्होंने स्टार्ट किया था एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर इन 3 लैंग्वेजेस. तो ये मुझे आपको दिखाना था स्पेशली और दूसरी चीज़ ये दिखानी थी जो मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ. आइए दैट वर्ड इज happy eyes. So this is the wall and this is where I see my patients and this is my eye setup. Come in. So brief idea आपको देने के लिए ये है हमारा slit lamp. This is a very high magnification microscope because eyes भी छोटी सी होती है इसको देखने के लिए भी require है microscope. तो this is a basic, this is a simple भाषा में ये microscope है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है. ये scan है जिससे मालूम पड़ते हैं eyes के अंदर numbers कितने हैं. This is one again device. यहाँ पर वी हैव योर मल्टीपल ग्लासेस जिससे हम चश्मा लगा के चेक करते हैं आपका पावर्स क्या क्या है. ओके देन वी हैव द स्क्रीन. दिस इज़ वेर यू सिट हियर एंड आपको हम रीड करवाते हैं आपको नंबर्स फाइन ट्यून करते हैं. ये स्क्रीन में हम पेशेंट काउंसलिंग के लिए यूज़ करते हैं. जब मैं कुछ आपको देख रहा हूँ आई कैन शोकेस इट ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. मल्टीपल डिवाइसेस लेंसेज आर देयर. ये अगेन चेक करने के लिए होती है रेटिनास के लिए है ये चीज़ें हैं. नाउ दिस इज़ वन वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग डिवाइस एंड फॉर समथिंग जो काफ़ी कॉमन है बट फिर भी काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है वो है आई प्रेशर्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आप सबको बताना चाहूँगा वो है आई प्रेशर्स. देखिए जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे जो हमारी आई बॉल है कंपेयर करेंगे इसको टायर के साथ फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी एक प्रेशर होता है. सो नॉर्मल इसका रेंज होता है बिटवीन 10-21. जब ये इस रेंज से आगे चले जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम इस बीमारी को कहते हैं हम ग्लोकोमा एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइलेंट थीफ ऑफ साइट. ओके इसके कोई सिम्टम्स बहुत लेट तक नहीं आते. इस पर होता है विजन लॉस लेकिन विजन लॉस सेंटर से नहीं होता है साइट से होता है हैंड से पता नहीं चलता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज़ अबव 40 स्पेशली टू गेट देयर आईज चेक एटलीस्ट वंस अ ईयर टू रूल समथिंग लाइक दिस आउट. नुपुर जी का हम प्रेशर चेक करेंगे ठीक है. कम सो आपको बस ट्रेन देखना है दिल भी ग्रीन लाइट. अब मैंने पहले ही मेरे स्क्रब्स द मोस्ट कंफर्टेबल वेयर टू सी पेशेंट्स एंड टू डू सर्जरीज. सो अब मैं चेक करूंगा नुपुर जी की आंखों को. कम
मुझे पेंस का काफ़ी शौक है बट मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है टिपिकली एज अ डॉक्टर, तो इसका सोल्यूशन AI ने दिया है. जस्ट वॉच दिस, AI हैज़ मेड वन मोर प्रॉब्लम ईजियर. अब मैं इसे कहूँगा और ये प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा हमारे लिए. नुपुर जी का प्रिस्क्रिप्शन हम AI के थ्रू लिखेंगे. पेशेंट हैज़ कम फॉर अ रूटीन आई चेकअप, नो नोन सिस्टमिक हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट ऑन मेडिकेशन, नो ऑफ्थाल्मोलॉजी कंप्लेंट्स. ऑन एग्जामिनेशन बोथ आईज एंटीरियर सेगमेंट विद द नॉर्मल लिमिट्स, बोथ आईज लेंस क्लियर, बोथ आईज रेटिना विद द नॉर्मल लिमिट्स. एडवाइस आई ड्रॉप टीयर ड्रॉप 3 times इन बोथ द आईज फॉर 1 month, फॉलो अप SOS. देखिए लुक एट द मैजिक, मैंने इसको बोल दिया है. ट्रांसक्राइबिंग, AI कंट्रोल. सो सी, अब इसने इसको सेग्रीगेट किया है हमारे प्लान में. तो एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमने पहले हिस्ट्री आ गई, एग्जामिनेशन हो गया कि पहले आगे का पार्ट, फिर बीच का पार्ट एंड पीछे का पार्ट. तो इसने उसको अपने आप आगे पीछे कर लिया, राइट का लेफ्ट में. और जो मैंने मेडिसिन बताई वो उन्होंने यहाँ पर डाल दी, एंड 3 times a day जो डोजेज है. ऑल आई हैव टू डू नाउ इज जस्ट एग्जिट एंड विजन चेकआउट एंड प्रिंट. ये रहा इनका प्रिस्क्रिप्शन. आई विल प्रेस द बटन प्रिंट एंड यू विल सी इट गेटिंग प्रिंट. दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन. आई ऑफ कोर्स क्रॉस चेक इट, इनका ये नाम, एज वगैरह, विजन कितना है, प्रेशर कितना है, आगे बीच का, पीछे का पार्ट, आइस का, मेडिसिन. आई लुक एट एवरीथिंग, साइन एंड हियर यू गो, दिस इज योर प्रिस्क्रिप्शन. तो भाई डॉक्टर मिकी तो एक बेहद अच्छे डॉक्टर हैं ही, तो क्या वो वापसी करेंगे फिर से फिल्मों की दुनिया में? आइए उन्हीं से जानते हैं. तो मिकी यानी कि डॉक्टर मिकी, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि सारा जादू यहाँ पर भी चला के ही रखा है हुआ है उन्होंने. तो एक बार फिर से एक्टिंग का जादू जो है वो कब और चलाने आने वाले हैं, या कुछ प्लानिंग्स है कम बैक की? प्लानिंग्स है, टॉक्स है, स्क्रिप्ट्स है. वी आर बट फिगरिंग आउट द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट विथ माई विजन. सो तैयारी है, तैयारी हो रही है, एंड गॉड इज़ ग्रेट. तो इस बार के जो है क्या लुकिंग आउट, मतलब रोल्स पर्टिकुलर कुछ दिमाग में है, कुछ स्केचेस है दिमाग में, क्या कुछ ऑफर हो या क्या रोल करना पसंद, कोई ड्रीम रोल अभी जो हो करना हो? हाँ जी, लाइक आई सेड कि मेरे विजन के साथ अलाइन हो जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक्सट्रीमली अलग हो, बिकॉज राइट नाउ आई एम अ सर्जन, आई हैव सर्टन इमेज अराउंड मी, सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव, तो दैट इज़ वन. बट एज आई सेड कि आई एम ओपन टू यू नो मल्टीपल रोल्स अराउंड, एंड जो मेरे विजन के साथ अलाइन हो, लुकिंग फॉरवर्ड. एज मैंने आपको समझाया कि मेरा जो स्केड्यूल भी है काफ़ी प्लान्ड है. हमारी जो सर्जरीज होती है काफ़ी शॉर्ट होती है, प्रिसाइज होती है एंड इलेक्टिव होती है. मतलब आपको अगर कैटरैक्ट है, आपको चश्मे निकालना है, तो ये नहीं है कि आपको कल का कल आना है. वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन प्लान इट, एंड आई कैन मैनेज माई पेशेंट. सो दैट इज़ द थिंग. सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो विच कम्स विथ आई सर्जरी इज़ देयर, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइफ स्टाइल ब्रांच. एंड यस, शूटिंग एंड एक्टिंग वाला पार्ट इज गॉड इज़ ग्रेट, एंड let's hope for the best, fingers crossed is what I would say. Currently I'll say happy eyes. Happy eyes. Aur jaldi milenge fir next. Haan ji zarur. God is great. thank you so much, pleasure be there. To bhai ummeed hai ki Dr. Mickey naye kirdaar mein kare bade parde ya chote parde par apni wapsi. Filhal to wo ek doctor hone ke chalte apna farz nibha rahe hain aur kar rahe hain apne sare patients ko theek. अब वक्त हो चला है डॉक्टर मिकी को बाय बाय कहने का. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ.